وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون الحمد لله رب العالمين वला वसलाम अला खातमिल्बिया अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिही व व मन इला यौमिद्दीन अम्मा इलाम्दीन मुहतरम वहतरम व ख़वा मेरे इस्लामी भाइयों और बहनों मनहज जिसको हम समझना चाहते हैं वो तरीक़ा वो रास्ता जिस पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाई क्राम को छोड़ा साहबा क्राम ने अपने बाद में आने वालों को जो तरीक़ा बताया वही तरीक़ा है जो जन्नत में जाने की ज़मानत देता है उस रास्ते से हटकर सारे रास्ते गुमराह कन रास्ते हैं और उसकी गारंटी मेरे नबी अलैहि वसल्लम ने नहीं दी है तो ये सवालत जो मनहज और आक़ीदे से मुतक़ हमारे सामने हैं आज हमारे सामने सवाल नंबर आठ है जिसमें शेख महत्तरम से सवाल किया गया हल तो खालतुलजमत अम तुहजर क्या एक आम आदमी जमात के साथ मिलकर रहे या जमातों से अलग थलग हो जाए तो आज के माशरे में बहुत सारे ऐसे लोगों को हम देखते हैं जिनका मुसलमानों की जमात से कोई ताल्लुक़ नहीं होता है अपनी दुनिया में वो लोग जीते हैं हाँ अपनी मर्ज़ी से मस्जिद में आए अपने उनके अपने तौर तरीक़े हैं मुसलमानों की इमाम से मस्जिद से जमात से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। इनके ताल्लुक़ से बात या नहीं है मुसलमानों की जमात से आदमी को तो ताल्लुक़ रखना चाहिए इसलिए कि कम अज़ कम उसकी जनादे में चालीस मुहिद तो शरीक हों सौ आदमी तो शरीक हों अब अगर किसी को जमात से ही कोई ताल्लुक़ नहीं है अकेला तनहा जीता है तो उसका क्या बनेगा यहाँ सवाल शेख से जो किया गया उस सवाल का मकसद है कि ऐसी जमातें जो मनहज से हटी हुई हैं या सुन्नत रसूल की पाबंदी नहीं करती या किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल के मुताबिक नहीं चलती इन जमातों से आपका कितना ताल्लुक होना चाहिए तो शेख ने इसका जवाब देते हुए कहा इदा कान अल منها दावत अगर आपकी नीयत ये है कि आप उनको राह रास्त पर लाने की कोशिश करें और आपके पास इल्म हो बसीरत हो यानी आप ख़ुद उनके गलत अक़ीदे से मुतासिर न हो कि ऐसा ना हो कि ख़ुद शिकार ना बन जाए अगर आपके पास इतनी आ, ये है कि आप उन लोगों को सही अकीदा बता सकते हैं सही अक़ीदे की पहचान करवा सकते हैं जैसे हादा सही हम بالنسبه للافراد فيمكن دعوتهم والتاثير عليهم. <coughs> तो ऐसा हो सकता है कि उस जमात के जो अफ़रा हैं जो जमात गलत रास्ते पर है उन अफ़रा को आप बदल सकते हैं लेकिन उस जमात के तौर तरीक़े को बदलना ये तो नामुमकिन हो जाता है और कभी आदमी ख़ुद उनका नशाना बन जाता है तो शेख ने यही यहाँ कहा वहाद हिलफ्रमूम لا تخرج في दावती है تعليمات है शेख यहाँ उन्होंने हाशी में भी इसको लिखा कि ये जो जमातें बन जाती हैं शख्सियत परस्ती पर जिनके पीछे अशास होते हैं वो एक किताब एक दस्तूर इनके लिए लिख देते हैं और इस दस्तूर की हैसियत कुरान व हदीस से बढ़कर बताई जाती है और उसी पर वो चलते हैं तो शेख ने कहा का फिर कतलानमसलिम जैसे फिरकतल हैं और वो जितना भी आप उनसे कहें वो अपने ही बड़े लोगों की बात मानेंगे कि हमारे दस्तूर में ऐसा है हमारे लाल में ऐसा है हमारे कानून में ऐसा है और एक क्या इन्होंने इन्होंने वत तबलीग ये लोग जितना भी आप समझाएं वही वो अपने ही बातों की बात करेंगे अपने ही बुजुर्गों की बात करेंगे तो इनको बदलना तो नामुमकिन है अलबत् उस अकीदे से जो अफराद मुता होते हैं उनको आप सही राह पर ले जा सकते हैं सही बात उनको बता सकते हैं तो इसीलिए कहते हैं आ, कला क़ाल हसन अल्बन्ना मिसफ़िरलममसलमिन की किताबी मजमो रसायल तो उन्होंने एक रेफ़्रस यहाँ कोट किया है उनकी किताब से ये है हसन बन्ना की इबारत है मजमो मजमो अरसाइल से वो कहते हैं हम लोग अपने दावत को लोगों को अपने हिसाब से परखेंगे फमा व व जो हमारे रास्ते पर आएगा हम उसे वेलकम कहेंगे वमा ख़ाहफ़ फ़न बरा उमिन जो हमारी अगेंस्ट में जाएगा हम उससे बरी हैं तो मालूम ये हुआ कि वो लोग कहते हैं इकवान जो, जो लोग हमारे रास्ते को मानेंगे हमारी हैसियत को मानेंगे हमारी दस्तूर को मानेंगे हम उन्हीं गले लगाएंगे जो हमारे रास्ते पर नहीं आएंगे हमारी मुखालफत करेंगे हम उससे बरी हैं <coughs> तो यहाँ इन्होंने आखिर में कहा व अन अकुल अल्लाशहत अन बरी उम्मिलमसलिमस्सी उमआसी तो शारह ने यहाँ लिखा है कि अल्लाह तो गवार है मैं अखबानमसलम की जो जमात है उससे मैं बरी हूँ और उसके मुआससेस से मैं बरी हूँ लिलखालफिनमखालफ लिल किताब व सुन्नाखालफ इसलिए कि वह मुखालफत करती हैं किताबसनत की और सलफ़ के अक़ीदे की तो इससे हम बरी हैं तो इसीलिए शेख ने यहाँ इस बात की वजाहत फ़रमा दी है कहा अलमखालफ इदाकान अलकस्तमहा दावत दावतन ववसरा ऐसी जमातों के साथ आप मिलकर जा सकते हैं लेकिन आपकी कस्् आपका इरादा हो कस्त हो कि आप उनको समझाएँ सलफ़ का मनहज समझाएँ सुन्नत से जुड़े रहने की ताक़ीद करें आ, गलतियों को छोड़ने की ताक़ीद करें और ये अल्लाह ताला की तरफ़ दावत है तो ऐसा हम कर सकते हैं तो किसके साथ कर सकते हैं उस जमत में जो अफराद हैं इंडिविजल कर सकते हैं पूरी जमात के तौरों तरीक़े को बदल देना यह आपसे हो सकता है नहीं हो सकता अम्मादा का न लिखते रात माह मिन मिन अजल मुन सती मलमुसाह लेकिन आजकल जो देखा जाता है कि लोग बड़े फ़खर से कहते हैं कि मैं सारे लोगों से ताल्लुक़ रखता हूँ मैं सारे लोगों से ताल्लुक़ रखता हूँ ये भी मेरे दोस्त हैं वो भी मेरे दोस्त हैं इनकी इन ये जमात में भी मैं रहता हूँ वो जमा जो सबका है वो किसी का नहीं है तो ये बात नहीं बताएगी ये बात बताएगी कि आप ज़रूर रहें हमें नहीं कहते कि आप किसी जमात के साथ नहीं रहें लेकिन दावत के नीयत से रहें कि आप उनको मनहज समझाएँ किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल की बात बनाएं बताएं तो और आप ये सोचें कि ना ना बाबा अगर हम अपनी दावत वहाँ पेश करेंगे तो लोग हमसे नाराज़ हो जाएंगे और फिर हमको अलग थलग समझेंगे तो शेख ने कहा फहादा ला जूस ये जायज़ नहीं आप जहाँ भी हैं जिस जमात में भी हैं अपने अकीदे और ईमान के साथ हैं एक मोहित, एक मुतब सुन्नत जहाँ भी जाता है अपनी बोलता है इसलिए आप देखेंगे कि बड़ी बड़ी मस्जिदों में जहाँ जाते हैं तो ज़ोर से आमीन बोल ही देते हैं वहाँ लिखा ज़ोर से आमीन बोलना मना है ऐसा भी रिकॉर्ड हाँ तो जहाँ भी जाते हैं सुन्नत की पैरवी करते हैं इसीलिए शेख ने हाँ लिखा फलाज़ुल् खाली तलम खालिफिन फ़ीफा तरै किसी इंसान के लिए जायज़ नहीं है कि वो अपने अगेंस्ट लोगों के साथ रहे लेकिन शर्ी फ़ायदे के पेश नज़र कोई फ़ायदा वहाँ हो वो क्या हो मंद दावत इस्लाम की तरफ आप दावत दें उनको इस्लाम की दावत समझाएँ व तो यून हक़ को उनके सामने वाद करें इदाकाना वला बुद्धम मुखालत लिदावती हम व मनहज सलफ़ी जो सही मनहज है उसे लोगों के सामने पेश करें फ़ला कून अलमा ये काम कौन कर सकते हैं उलमा ही कर सकते हैं आम आदमी ऐसी जमातों में जाएगा तो क्या होगा फंस जाएगा फंस जाएगा मैं भी कभी देखता हूँ हमारे जो मसल के अहदीफ़ के लोग हैं सलफ़ी मनहज का दावा करते हैं लेकिन कभी ऐसी तारीफ करेंगे अरे वो वो जमात के पास ऐसा डिसिप्लिन है उनके पास ऐसा है इनके पास ऐसा है आ हाँ? तो आपके पास क्यों नहीं है इसका सबब आप भी इसलिए कि आप भी जमात के फ़र्द हैं आप भी जिम्मेदार हैं तो शेख ने मिसाल देकर समझाया कमाजहा इबन मसरूद इलामुफ्तद्यादी नफिल मस्जिद जैसे इबन मसऊद अब्दुल्ला इबन मसऊद रद्ल एक मरतबा एक मस्जिद में गए देखा कि वहाँ सारे लोग गोल बैठ के ज़िक्र कर रहे नहीं। एक आदमी खड़े होकर बोलता है सब बेहू तस्बी बयान करो तो सारे लोग सुबहानल्लाबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हदल्ला पढ़ते हैं तो कंकरियाँ रखी हुई हैं सामने कंकरियाँ कोई कोई गिन रहा है तो अब्दुल्ला बिन मसूद मसरूद रजिय तन ने वो देख कर कहा कि ये क्या बिदात तुम कर रहे हो तो अब्दुल्ला बिन मसूद मसऊद रजियल्ला तू ने उन गलत करने वालों के साथ उनको नसीहत किया तो जो लोग भी गलती करते हैं आप वहाँ ज़रूर जाए और उनको क्या करें नसीहत करें वबनिन रजी अल्लाहुमा जबा बन अब्बासन वब्न अब्बास रदी अल्लाहबाखारिश वना वर हम इबन अब्बास रदी अल्लाहन ख़ारिश के पास जाते हैं तो ज़रा आप समझने की कोशिश करें हम क्या आपसे बोल रहे हैं तो शेख के सामने जो सवाल था ऐसी जो जमातें जो सही रास्ते से हटी हुई हैं आप उनके साथ जा सकते हैं आप उनके साथ बैठ सकते हैं तो शेख ने उसका क्या जवाब दिया ज़रूर जा सकते हैं लेकिन आप जाकर उनको क्या करें समझाएं, समझाएं कि आपका तरीक़ा गलत है मनहज गलत है दलाइल की रोशनी में उनको मुतमिन करने की कोशिश करें जैसे अब्दुल्ला बिन मसूद उन लोगों के पास गए जो कुछ मालूम नहीं था समझ नहीं पा रहे थे और जिक्र का तरीका कुछ ऐसे उन्होंने बनाया था एक आदमी कहता कि इतनी मरतबा तस्वीर पढ़ो तो सारे इज्तमाई तौर से सुबहान अल्हम्दुलिल्लाह बोलते और या पत्थर उन्होंने रखे हुए थे अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज अल्लाह तुने कहा कि अरे तुम कैसे लोग हो अभी अल्लाह के नबीम के बर्तन नहीं टूटे आपके कपड़े बोसीदा नहीं हुए अभी तुमने दीन को बदल दिया दीन को बदल दिया है बिदातें ईजाद कर दी हैं तो मालूम यह हुआ कि आप अगर ये कहते हैं कि मेरे फ्रेंड्स फ़लाँ फलाँ जमात में हैं फलाँ फलाँ टीम में हैं तो आप सिर्फ़ फ्रेंडशिप का दावा नहीं करें बल्कि उनको क्या करें समझाएं समझाएं कभी जुमे की नमाज़ में उनको इधर बुला के लाएं जुमे का खुतबा सुनाएं तभी आपने दोस्ती का हक़ अदा किया और इसी तरह कहते हैं वबन अब्बासन रजील्मा जहब ज़हबलारिज अबल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तन हज़रतारी के ज़माने में रजियल बहुत सारे खवारीज आ गए थे खवारीज वो कई आकीदे के वो लोग थे कि अहबाबल कबार जो बड़े बड़े गुनाह करने वाले हैं वो जहन्नम में हमेशा रहेंगे अहलसन्ना वालजमा का आकीदा है कि नहीं वो अपनी सज़ा पाने के बाद अल्लाह ताला अपने रहम करम से उनको माफ़ करके दोबारा जन्नत में डाल देगा हम ऐसा बोलते हैं एक नहर काले हो जाएंगे जहन्नम में डल कर जल कर तो एक नहर में उनको ज़िंदगी के नहर में उनको डुबोया जाएगा और उसके बाद उनको जन्नत में डाल दिया जाएगा खबारिज इसे मानने के लिए तैयार नहीं है खबारिज नहीं मानते हैं ठीक है इसी तरह और भी चीज़ें हैं कि अल्लाह को अल्लाह का दीदार नहीं होगा लोग क्या नहीं करेंगे अल्लाह को नहीं देखेंगे जैसे खवारिज बोलते हैं तो ऐसे सारे मसाइल हैं तो अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी आन, उनको समझाने के लिए गए और अच्छी ख़ूबसूरत कमीज़ पहना गए उनके पास समझाए उन्होंने बहुत सारेराजात किए और उनमें से कई लोगों ने तोबा किया जैसे का लिखते हैं कि 500 सौ छः सौ आदमी तोबा करके फिर आहल सुसन्ना वालजमा में आकर मिल गए तो बहर कैफ़ हमारा काम नसीहत करना है तो आखिर में शेख लिखते हैं पल मुखालत पल मुखालत तिलहुम इदा क्या हलविया मतलूबा अगर आप ऐसी जमातों के साथ आप जाते हैं आपके फ्रेंड्स ऐसी जमातों में से हैं जो सही तरीके पर नहीं हैं, आप उनके साथ उठना बैठना चाहते हैं तो अगर इस तरीके पर हो तो आप उनके साथ जा सकते हैं जिसे अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तन ने किया और अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तन ने किया व इन असर बातिल अगर वह अपने बातिल पर गलत पर मुसी हैं जमे हुए हैं बोलते हैं कि नहीं नहीं तुम्हें ऐसा करो नहीं हमें तुम्हारे तरफ नहीं तुम्हें हमें हमारे तरफ आ जाओ ऐसा अगर वो बोलते हैं वह जब एहतजा व मुनाबद तो तब ज़रूरी है कि आप उनसे अलग थलग रहें आप उनके साथ नहीं जाएं, आप उनके साथ अलग थलग रहें कहीं ऐसा ना हो कि उनके अंजाम जैसा आपका अंजाम हो जाए तो आदमी ऐसे अहल बिदा से जो बिदात करने वाले हैं उनसे अलग थलग रहना चाहिए ये था हमारे साथ सवाल नंबर आठ इसी के साथ साथ एक और सवाल एक एक और भी हमारे साथ सवाल आज की इस दर्श में है जिसमें कहते हैं यहाँ एक चीज़ उन्होंने कहा कि शेख सालेह बिन रहमहुल्लाह हफिद ने जो बातें कही हैं अभी तक जो हमने सवाल नंबर आठ पढ़ा उसमें वो कहते हैं एक वाकई की तरफ़ उन्होंने इशारा किया उस वाक़े का तर्जुमा हम सुन लेते हैं अमर बिन यहाया के दादा फरमाते हैं कि हम अब्दुल्लाह अब्दुल्लाबन अब्बास अल्लाह अन्हु के दरवाज़े पर सुबह की नमाज़ से पहले बैठते थे कब सुबह की नमाज़ से पहले दरवाज़े पर बैठते थे जब आप बाहर आते तो हम आपके साथ मस्जिद के लिए जाते सहाबी के साथ ये लोग हैं जो इस इंतज़ार में बैठे हैं कि फजर की नमाज़ के लिए आएंगे तो उनके साथ क्या करेंगे हम फजर की नमाज़ के लिए माशाल्लाह माशा क्या आज फजर की नमाज के लिए उठना कितना मुश्किल है कोई करते क्या आज शेख के घर जाके वो बैठ के उनको बुला को जाएंगे उन्हें फ़ोन करें तो उठाना मुश्किल फजर आँ ये देखिए कहते हैं एक दिन हमारे पास अबू मूसाशारी रजी अल्लाह आनु आए ये भी साहबी हैं वो आए हम लोग बाहर बैठे हुए दरवाज़े के और उन्होंने कहा अबू अब्दुलरहमान अभी बाहर नहीं निकले एक का नमाज का टाइम हो गया बाहर नहीं आए तो हमने कहा नहीं, नहीं लिहाजा आप भी हमारे साथ बैठ गए अबू मूसाषारी रजी अल्लाह तनु भी बैठ गए तो अब्दुल्ला मसूद रजियल्ला तन बाहर आए तो उनके साथ होकर हम लोग चले तो अबू मसा रजी अल्लाह तहु ने उनसे कहा कि अब्दुल्ला बिन मसरूद मैंने अभी अभी मस्जिद में एक काम देखा जो मुझे अच्छा नहीं लगा अबू मसा शरीर रजी अल्लाह ने अब्दुल्लाह बिन मसरूद रजाल तन से कहा कि मुझे मस्जिद में ऐसा एक काम नज़र आया जो मुझे अच्छा नहीं लगा वो सहाबा थे फितना जब उठता था तो जल्दी पहचान लेते थे तो अबू मसा शरीर रजी अल्लाह मैंने खैर ही देखा अब्दुल्ला बिन मसूद मसऊद रजियल्ला ने पूछा कि वो क्या है वो क्या है तो अबू मुसा रजी अल्लाह कहा कि चलिए आप जिंदा रहे तो खुद ही देख लेंगे तो मैंने कुछ लोगों को मस्जिद में हल्कों की शक्ल में बैठे हुए देखा हम लोग जब मस्जिद में गए तो देखा कि लोग सर्किल बना के बैठे हैं इधर एक सर्किल उधर एक सर्किल अभी नमाज का टाइम नहीं हुआ ये सब कब है फजर की नमाज से पहले फजर की नमाज से पहले का वक्त बड़ा मुबारक बड़ा वैल्यूबल बहुत कीमती होता है कौन सा वक्त फजर की नमाज से पहले का वक्त यही वक्त है जिसमें हजरत अली रज्ला शहीद हुए यही वक्त है जिसमें वो जिक्र अदकार में हैं ये जो हलके में जो लोग बैठे हुए हैं नमाज का इंतजार कर रहे हैं और उनके हाथों में कंकरियां हैं उनके हाथों में क्या है कंकरियां हर सर्किल में एक आदमी जो कहता है सौ बार अल्लाह अकबर कहो तो वो सौ बार अल्लाह अकबर कहते हैं एक आदमी बोलता कब्बे मिया बार अल्लाह अकबर कहो तो सारे कितनी बार बोलेंगे सो बार अल्लाह फिर बार फिर वो कहता है सौ बार ला इल्लल्लाह पढ़ो हल्लेलू सौ बार क्या करो ला इल्लल्लाह इला पढ़ो सौ बार ला इल्लल्लाह पढ़ते हैं फिर वो कहता है सौ बार सुबहान अल्लाह कहो सब व्य हो तो लोग क्या बोलते हैं एक आदमी बोलते रहता सारे लोग क्या बोलते हैं बोलते है। अब्दुल्ला बिन मसऊद कहा तो आपने उनसे क्या कहा ये बात अब्दुल्ला बिन मसऊ उन्होंने पूछा अबू मसारद्ला ने जवाब दिया मैं तो आपकी राय का इंतजार कर रहा था मैंने कुछ नहीं कहा मैं चाह रहा था कि आपका इस मामले में क्या ओपिनियन है क्या डिसीशन है क्या राय है तो उन्होंने कहा कि आपने उन्हें हुक्म क्यों नहीं दिया कि वो अपने गुनाहों का शुमार करें अरे ये गिनने से बेहतर है कि तुम क्या करो अपने गुनाहों को गिनो और उन्हें जमानत क्यों नहीं दी कि उनकी नेकियों में से कुछ भी राय नहीं होगा फिर आप चले हम भी आपके साथ चलते रहे अब तसूद कहाँ जा रहे हैं लोग फजर की नमाज के लिए जा रहे हैं यहाँ तक कि आप जो मस्जिद में हल्के बैठे पहले अब मुसा शरीर तू देख कर आए थे तो वहाँ वो लोग वैसे ही बैठे हैं वैसे ही जिक्र चल रहा है अब आजकल का जो जिक्र है आपने वीडियो भी देखा होगा यूट्यूब में वो साहब एक तखरी करते रहते सामने वालों को जोश आता ऐसा ऐसा कोई आके जोर से आके उनके ऊपर गिरता तो ये जिक्र देखे तो क्या बोलेंगे साहब कराम आज का जो जिक्र है जिसे इन्होंने नाम रखा जिक्र वजद मस्ती मजदूप जिन पर क्या एक जज्बाती कैफियत आ जाती है हा? तो अब्दुल्ला बिन मसूद रदील्ला तैन फड़े वहाँ गए सीधा सर्किल में जाकर कहा कि ये क्या चीज़ है क्या बोले वो ये क्या चीज़ है मैं तुम्हें क्या करते हुए देख रहा हूँ तो उन लोगों ने कहा कि अब्दुल्ला बिन मसूद हब इन कंकरियों पर अल्लाह अकबर ला लाला सुबहान अल्लाह गिन रहे हैं तो अब्दुल्ला बिन मसूद रजियल्लान ने फ़रमाया तुम अपने गुनाह शुमार करो मैं ज़िम्मेदारी लेता हूँ कि तुम्हारी कोई ने की राय नहीं होगी अय मत मोहम्मद अलैहि वसल्लम, तुम पर ताज्जुब अफसोस है कि तुम इतनी जल्दी बर्बाद होने लगे ये तुम्हारे नबी के सहाबा अभी बड़ी तादाद में मौजूद हैं अल्लाह के नबी वसल्लम चले गए लेकिन सहाबा मौजूद हैं अबू मुसाशरी साहबी हैं अब्दुल्ला तारा साहबी हैं और अभी आपके कपड़े भी बोसीदा नहीं हुए अल्लाह के नबी के जो कपड़े हैं वो अभी बोसीदा नहीं हुए और आपके बर्तन भी नहीं टूटे तुमने दीन को बदल दिया अल्लाह की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है दो में से कोई एक बात जरूर है या तो तुम वाकई एक ऐसे तरीक़े पर हो जो मोहम्मद अलैहि वसल्लम के तरीक़े से ज़्यादा मंद है या फिर तुम गुमराही का दरवाज़ा खोलने वाले हो तो इसका जवाब सुनकर उन्होंने जो वहाँ बैठे हुए थे उन्होंने कहा कि अबू अब्दरहमान इनकी कुत है अब्दुल्ला मसूद रल अल्लाह की कहा कि अबू अब्दरहन हमने तो सिर्फ खैर का इरादा किया किसका इरादा किया नेकी का इरादा किया अब जितने मिलाद मनाते सब लोग क्या बोलते हैं खैर नेकी का इरादा तुम्हारे बेटे का बर्थडे मनाते नहीं नबी का बर्थडे मनाने में क्या तुमको क्या तकलीफ है ऐसे बोलते हम लोग तो एक जश्न मना रहे हैं एक एक कवत और गलबे का इजहार कर रहे हैं मुसलमानों से अपने नबी की मोहब्बत को लोगों के सामने आशकारा कर रहे हैं हमने तो खैर का इरादा किया भलाई का इरादा क्यों लेकिन अब्दुल मसूद रजी अल्लाह तुम उनके सामने ये कहा बहुत से निकी का इरादा करने वाले हर गिज़ इससे बिल्कुल हमकिनार हो नहीं पाते बहुत सारे ऐसे हैं जो बोलते हैं कि हम खैर का इरादा करते हैं लेकिन कली मतहिन उरीद बिहल बातिल बात सही होती है लेकिन उससे गलत चीज़ मुराद दी जाती है अल्लाह के नबी वसल्लम ने हमें बयान फरमाया था कि कुछ लोग अल्लाह के नबी वसल्लम के हदीत को उन्होंने कोट किया कुछ लोग कुरान पढ़ेंगे लेकिन उनके गले से ऊपर नहीं जाएगा कितने क़ारियाँ हैं इतना अच्छा किरात पढ़ेंगे लेकिन उसका मतलब माना मफहूम उस पर तदब्बर करने की उनको फुर्सत नहीं है। लेकिन किरात पढ़ेंगे बहुत अच्छा किरात पढ़ेंगे लेकिन उसको समझने की कोशिश नहीं करेंगे अल्लाह की कसम मैं नहीं जानता शायद उनकी अक्सरियत तुम्ही में से होगी फिर वहाँ से चले गए अमर बिन सलमहर रदी अल्लाह तु फरमाते हैं कि वाकई हमने देखा कि इन हलकों के ज़्यादातर लोग नहरवान की जंग के रोज़ ख़वारिज के साथ हम पर तीर बरसा रहे थे जितने वहाँ बैठे हुए थे वो कौन सी टीम में गए ख़वारिज की टीम में चले गए तो इसीलिए हम अपने बच्चों को हमेशा बोलते हैं असल चीज़ जिसके लिए हमें कोशिश करनी है सिर्फ तजवीज़ से कुरान पढ़ना सिर्फ़ कुरान पढ़ना सीखना ये नहीं है अहादीत का मालाल करें सही अकीदा सही मनहज सीखने की कोशिश करें जिससे आप सही अकीदे पर चल सकते हैं की कदर समझ सकते हैं वरना वैसे बड़े बड़े कारी थे इब्ने मुलिम जो बड़े कारी थे उनको खिराज सिखाने के लिए वहाँ से मदीने से मिस्र भेजा गया था हाँ लेकिन वही क्या हुए हज़रत अली के कातिल बने हज़रत अली के क्या हुए कातिल बना तो मालूम यह होता है कि असल चीज़ जो आदमी को उलमा से जोड़ती है दीन से जोड़ती है उसका मनहज है अकीदा है तौहीद है तो यहाँ एक चीज़ इन्होंने यहाँ बयान किया है कि जैसे हमने कहा कि खबारिश और अब्दुल्ल बिन मैसूर रदी अल्लाह तहु के बीच में एक मुनादरा हुआ था मुनादरा किसे बोलते हैं हाँ डिबेट तो वो डिबेट आप सुनेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा क्या क्या सवालत उन्होंने किए थे क्या जवाबात हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तनों ने दिए थे तो इशा कल के दरस में हम उस मुनादरे को सुनते हैं ज़िंदगी भर आपको याद रहेगा कि कैसे वो मुनाजरा था कैसे अब्दुल्ला बिन अब्बास रत अल्लाह तु जाकर उनके सवाल के जवाब दिए थे लेकिन जैसे मुझे लगता है कि ऐसे लोगों से मुनाजरा करना हर एक की बस की बात नहीं है इसलिए कि उनके दिलों में बदाकीदगी ऐसे बैठ जाती है जैसे अल्लाह के नबी वसलम ने मिसाल देकर समझाया कुत्ता जब किसी को काट लेता है तो उसका जहर उसकी हड्डी में उतर जाता है उनके गलत ख़्याल उनके हड्डियों में उतर गए हो जाते हैं रासिक होते हैं बहुत जल्द वो अपने ख़्यालत को छोड़ कर बदलने को तैयार नहीं होते लेकिन अब्दुल्ला बिन अब्बास रदील्ल तुकी की नसीहत पर बहुत सारे लोगों ने खवरिज का रास्ता छोड़ा खारजियत का रास्ता छोड़ा और फिर आहलसन जमा में शामिल हुए इन कल के दरस में हम सुनते हैं और इसलिए कि परसों हमारे पास दर्स नहीं है इसलिए कि मुझे हाँ, और एक जगह इसमें जाना है तो तो कल हमारे पास आ, आप लोग रहेंगे इन तो कल हम लोग क्या सुनने वाले हैं मुनादरा मुनादरा ये किसके किसके दरमियान है अब्दुल्ला मसूद रदी अल्ला और खवारिज के दरमियान अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको सही अक़ीदे कायम उदायम रखे आमीन असलम वरम्बरकू